कि आप पर और मुझ पर पहले रहे कि हमें पूरी पूरी या नहीं पूरी नहीं मालूम कि वक्त से वक्त और हुई या नहीं हुई, ये भी हमको पता नहीं है कि आपकी रहे में हमको जहन्नुम से राहत मिली या नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बजुर्ग नौजवान साथियों, अभी भी इस मार्ग मुबारक के दो दिन बाकी है, अभी भी इस मार्ग मुबारक की तीन रातें हमारे पास है। कल 27 फीसद हो चुकी और उसकी सुबह या दोपहर भी आज है। हमने भी मालूम कि जो खुशकिस्मत थे जिन्होंने कल रात इबादत की, अल्लाह का जिक्र किया, वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह उनकी इबादत को कबूल किया होगा। जो खुशकिस्मत थे जिन्होंने जिसको गुरू ने और कल की रात को भी जाहिर कर दिया, तो मेरे भाई आज है, आज जुमा है और जुमे में बाद नमाज असर की एक ऐसा वक्त आता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हर दुआ को कबूल करता। अगर कल की रात बाद लोग गफलत में गुजार दिए, आओ नौजवान साथियों, आज जुमा है, आज की रात है, कल भी रात रात है और हो सकता है कि कल भी कल असर हो जाए। रमजान 27 फीसद के बाद खत्म नहीं होता, ना रमजान 29 फीसद को खत्म होता है, रमजान ईद से पहली रात के भी हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो रात जो ईद से पहले की होती है वो रात मजदूर को मजदूरी देने वाली रात। तो नौजवानों, मेरे बुजुर्ग साथियों, अगर कल की शाम में हमने गफलत में गुजार दी तो आज है, कल भी रात की शाम है और अगर हम जब कदर को तलाश करेंगे कल रात तो पाक रात कल की रात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन माह रमजान हमसे उत्सव को आना है, जिस तरह मक्का मस्जिद के नबी और इमाम ने अपने खुद में कहा कि हर बला या रमजान, हर बला या रमजान, वो माह मुबारक हम से रुख्सत हो रहा है जिसमें पाक के वक्त हमारा रिस्क खड़ा किया गया था, वो माह मुबारक हम से रुख्सत हो रहा है जिसमें हमारे मस्जिदों को अल्लाह ने उसकी रवायत के साथ पकड़ दिया था, वो माल मुबारक हमसे रुख्सत हो रहा है जिसमें जंगल के जमानों को बंद कर दिया गया था, वो माल मुबारक हमसे रुख्सत हो रहा है जिसमें जंगल के दरवाजों को खोल दिया गया, वो माल मुबारक हमसे रुख्सत हो रहा है जिसमें शैतान को जंजीरों से जबर किया गया, वो माल मुबारक हमसे रुख्सत हो रहा है जिसमें की इबादत करने पर फर्ज का भाव मिलता है, वो कारोबार हम सुरक्षित हो रहा है जिसमें एक फर्ज अदा करने पर 70 उजवाओं का इलावा भाव हमको मिलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमने अपने फर्ज को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने जिस्म के आजाद को अल्लाह के ताबे किया या नहीं किया। इस माह मुबारक में हमको इबादत की ट्रेनिंग
Thank you.